इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई डिसेबल्ड बंदा है, अगर उनके पाँव नहीं है तो वो हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक लगा सकते हैं, इवन घरेलू औरतों के लिए, क्योंकि इस पे तीन बंदे बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जान इस्लामाबाद से, वो काफ़ी अरसे से किसी ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में थे जो उनके लिए एक स्पेशल बाइक तैयार कर सके। मोहम्मद जान की स्टोरी ये है कि वो बाहर के मुल्क में काम करते थे, एक एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें कट गईं और वो सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट मिल सके, बाइक मिल सके जो वो चला सकें। उन्होंने रब्ता किया हमारी मेगा सक्सेस की जो इनोवेशन टीम है, और हमारी टीम ने ये चैलेंज समझकर ये बाइक तैयार की है। इस बाइक में बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। हमारे पास दोनों इंजीनियर्स आसिफ और मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं जिन्होंने ये बाइक डेवलप की है, और इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। हम आपको इनके साथ मिलवाते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले आसिफ, आप मुझे बताएं कि ये किस किस्म का चैलेंज था जब आप इसे बना रहे थे? थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड मेगा सक्सेस टीम। माय नेम इज आसिफ अहमद एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पिशावर। आई हैव डन बैचलर ऑफ साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नमल इंस्टीट्यूट मियांवाली। मैंने मेगा सक्सेस टीम के, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ऑलरेडी उन्होंने जो है ना, जैसा मेगा का नाम है वो बिल्कुल पीक पे चले गए, यानी कि उस मेगा सीईओज बन गए, तो फिर उसके बाद मैंने मेगा सीईओज की टीम को ज्वाइन किया। आप जी ज़रा मुझे फीचर्स बता दें जो मैंने अभी आपको कहा कि ये ख़ास तौर पे यूटिलिटी जो इन्होंने डेवलप की थी इनिशियल डिसेबल्ड लोगों के लिए, जिस तरह मोहम्मद जान साहब का आपको वाकया सुनाया, उनके लिए बनाई थी, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन गया है कि ये इवन घरेलू औरतों के लिए, क्योंकि इस पे तीन बंदे बड़े आसानी से बैठ सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स भी जानते हैं। फिर इसके अलावा इसमें स्टोरेज का एरिया भी है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ बन चुकी है। तो सारे फीचर्स आप अगर मुझे वन बाय वन बता सकें। मुझे पता चला कि सबसे पहले इसमें जो ब्रेक का सिस्टम है वो ज़रा बता दें। ये जो गाड़ी बनी है सर, इसमें आप देख सकते हो एक दो तीन, इसमें थ्री ब्रेक्स लगी हुई, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का एक हाथ नहीं है और वो लेफ्ट पाँव है तो वो लेफ्ट पाँव से भी चला सकते हैं, राइट में भी ब्रेक लगा हुआ है, इधर हाथ में भी ब्रेक लगा हुआ है, तो इसमें तीन ब्रेक इंस्टॉल है। तो अगर आपको पाँव का मसला है ब्रेक में तो आप हाथ से भी ब्रेक लगा सकते हो, अगर आपको हाथ में मसला है तो आप पाँव से भी ब्रेक लगा सकते हो। तो ये जी पाँव में भी इसके ब्रेक लगी हुई, पाँव में भी ब्रेक लगी, इधर हैंड ब्रेक भी है, इधर लेफ्ट साइड पे भी एक ब्रेक लगी हुई। ये इसका थ्रोटल है, इससे इसकी स्पीड जो है ना कम ज़्यादा होगी, और फॉरवर्ड रिवर्स इधर से। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, रिवर्स भी जा सकती है, दोनों साइड पर, जबकि नॉर्मल जो हमारे पास रिक्शे होते या चिंचिया होती है ना, तो उसमें वो रिवर्स वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें दोनों सिस्टम में फॉरवर्ड भी जा सकती है, रिवर्स भी जा सकती है। और इसके अलावा इसमें एक पीछे डिग्गी भी है, इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हो। अगर आप ये जो इसका चार्जर है, इससे आप जो है ना इस गाड़ी को दो से तीन घंटों में चार्ज ये कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप इसको 70 to 80 किलोमीटर तक चला सकते हो, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर। जी सर। अच्छा, तो इसमें मुझे बताएं कि ये किन किन लोगों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो डिसेबल्ड के लिए आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई कि ब्रेक्स जो हैं लेफ़्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, पाँव में ब्रेक्स हैं, यानी अगर कोई डिसेबल्ड बंदा है, अगर उनके पाँव नहीं हैं तो वो हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक लगा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इससे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि यहाँ इसमें रिवर्स गियर है जिसके ज़रिए आप इसको मोड़ सकते हो, पीछे लेके जा सकते हो। अब हम आपकी बात करवाते हैं इकबाल से, जो आसिफ के साथ मिलके इन्होंने ये बाइक डेवलप की है। आप हमें ये बताएं इसके कोई और फीचर्स जो हमें बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर वो स्कूल से अपने बच्चों को छोड़ने जाती हैं, वापस लेके आती हैं, तो इसमें तीन बंदे बैठ सकते हैं। कितनी कैपेसिटी है टोटल, कितना वेट ये बर्दाश्त कर सकती है? सर, ये जो है ना टोटल दो बंदों की कैपेसिटी जो है ना, ये पीछे है, एक आगे ड्राइवर है। सर, इसमें जो है ना 48 वोल्ट की बैटरी है, जो इसकी जो कैपेसिटी है 40 किलोमीटर तक स्पीड पे चल सकती है, और 40 किलोमीटर पर हावर पे ये चल सकती है। ठीक है, यानी 40 किलोमीटर तक ये चल वेट सकती है। कितना बर्दाश्त कर ये सर? तकरीबन एवरेज जो है ना, तीन बंदों और इसके साथ दो तीन छोटे बच्चे हो तो सर वो जो है ना एवरेज बर्दाश्त कर सकती है। इसमें जो है ना 1000 वाट के मोटर है सर, और डिफरेंशियल सिस्टम है इसमें।
اور آگے پیچھے والا جو چلنے والا سسٹم بھی ہے یہ جالی ہے، اس میں ہلکا پھلکا سامان ہو وہ بھی رکھ سکتی ہے سر، اور اس کے سب سے بڑے خوبی یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے بھی چلا سکتے ہیں سر، عورتوں کے علاوہ جو ہے نا چھوٹے بچے بھی چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی یوٹیلیٹی جو ہم نے بتائی، خاص طور پہ محمد جان صاحب کے کہنے پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا، ہمارے انجینئرز نے کام کیا، پہلے سے یہ چیزیں ڈیولپ کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے بڑی زبردست چیز بنی ہے، لیکن اس کی اور بہت یوٹیلیٹیز اب اس کی نکل رہی ہیں، یعنی استعمال نکل رہے ہیں، خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں، تین بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں، مینٹیننس کا کوئی خرچہ نہیں سر، اور اس کے علاوہ مطلب چلانا بہت آسان ہے، ریورس گیئر ہے، تو یہ ایک پاکستان میں بہت بڑا مارکا ہے جو ہمارے انجینئرس نے یہاں میگا سکسیس کی ٹیم نے یہ مل کے بنایا، اور محمد جان صاحب وہ کیونکہ اسلام آباد رہتے ہیں، ہم لاہور میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی آپ کو تصویریں دکھائیں گے جب یہ ہینڈ اوور ہوتی ہے ان کے۔ تو اس طرح اگر آپ لوگ، اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس میں اس کو خریدنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو آپ کی اس کی ضرورت ہے، تو آپ نیچے فون نمبر ہوگا یا ڈسکرپشن میں ہماری ٹیم کا نمبر ہوگا، آپ یہ آرڈر پر تیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی پرائس جو ہے انٹروڈکشن پرائس پاکستان میں 1.5 لاکھ روپے، یعنی 1,50,000 روپے ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اگر آپ ڈسیبلڈ ہیں، آپ پھر بھی آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے، یا آپ کے بچے ہیں ان کو اسکول چھوڑنا ہے، یا آپ شاپنگ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، تو نیچے جو نمبر ہوگا یا ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ انفارمیشن ہوگی، ان سے آپ رابطہ کر کے یہ ٹرائی بائک جو میگا ٹرائی بائک ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارے انجینئرز ہیں، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے بہت زبردست کام کیا، اور اس طرح کی انوینشنز بہت زیادہ پروجیکٹس جو ہیں ہماری پائپ لائن میں موجود ہیں، اور بہت زیادہ پروڈکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر یہ چاہیے، آپ پہلے پاکستانیوں میں سے ہوں گے جو اس قسم کی کیا کہتے ہیں وہیکل وہ چلا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس بائک کی بھی ساری جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس طرح کی اور پروڈکٹس بھی جو ہم لانچ کریں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔